रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। फ्रेंड्स, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र और फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का कद जितना लंबा है उससे कहीं ज्यादा लंबा उनकी कमाई का कद हो चला है। अमिताभ बच्चन के पास मौजूद 10 चीजें जो बहुत ही कीमती हैं, जैसे कि नंबर एक फ्रांस में घर। दोस्तों, ये और बात है कि अमिताभ अपने घर जलसा पे जान छिड़कते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि उनका एक घर फ्रांस में भी है, जहां अन्य अभिनेताओं ने बाहर के देशों में अपना भविष्य सुरक्षित करते हुए घर खरीदे हैं, वहीं अमिताभ बच्चन भी इस मामले में पीछे नहीं है। अमिताभ की बाहर के देशों में भी कई प्रॉपर्टीज हैं, मगर फ्रांस में मौजूद उनका लग्जरी घर बेहद कीमती है। इस घर की कीमत 6.25 करोड़ रुपए आंकी जाती है और ये घर बेहद खूबसूरत है। इसमें हर वो सुविधा है जो एक आलीशान घर में होती है। लगता है अपना बुढ़ापा अमिताभ इसी घर यानी फ्रांस में काटेंगे। क्या कहा, बुढ़ा होगा तेरा बाप? आई एम सो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, जानकी कुटीर। दोस्तों, जानकी कुटीर बंगला अमिताभ के लिए मोहब्बतें फिल्म के डायलॉग की तरह है, यानी अनुशासन प्रतिष्ठा की तरह है। ये बंगला लगभग 80 करोड़ रुपए का बताया जाता है। अमिताभ को ये बंगला रमेश सिप्पी की तरफ से गिफ्ट में मिला, यानी ये बंगला अमिताभ की फिल्मी पेमेंट है। नंबर तीन, पैन। जी हाँ, आपने सही सुना, पैन। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा पेन नहीं है। आपको बताते हैं, अमिताभ बच्चन को स्याही वाले पेन यानी फाउंटेन पेन का बड़ा शौक है। उनके पास इंक फाउंटेन पेन का अच्छा खासा कलेक्शन है, जिन्हें वो बहुत बड़े जतन से रखते हैं। अमिताभ मॉन्ट ब्लैंक कंपनी का पेन यूज करते हैं, जो कि इस कंपनी का सबसे महंगा है। ये लगभग 67,000 रुपए का पेन है। नंबर चार, घड़ियों का संग्रह। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं हो कि अमिताभ घड़ियों के पुराने शौकीन है। उनके पास बेहतरीन घड़ियों का शानदार कलेक्शन है। अमिताभ की पसंदीदा घड़ियों में लॉन्गिनेस कंपनी की मास्टर कलेक्शन वॉच है। आपको बता देंगे, इसकी कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर की है। है ना लग्जरी लाइफ का ये छोटा सा लग्जरी अंदाज। हाँ, एक बात और बता देंगे, अमिताभ शूटिंग के वक्त सेट पर समय पर पहुंचते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सेट पर निर्देशक देर से पहुंचा, मगर अमिताभ घड़ी की सुइयों की तरह एकदम परफेक्ट सेट पर पहुंचे और निर्देशक शर्मिंदा हो गया। नंबर पांच, प्रतीक्षा बंगला। जुहू में मौजूद अमिताभ का बंगला प्रतीक्षा भी कुछ कम हैसियत नहीं रखता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी कीमत लगभग 85 करोड़ रुपए है। ये बंगला भी लगभग सभी तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न है। ये बात सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के प्रशंसक भी जानते हैं कि अमिताभ खास मौकों पर और अपने जन्मदिन पर इस बंगले पर जरूर मौजूद रहते हैं। नंबर छह, जलसा बंगला। दोस्तों, लगभग 160 करोड़ की कीमत का ये जलसा बंगला जुहू में स्थित है, जहां पर अमिताभ अपने परिवार के साथ जीवन के खूबसूरत दिन बिता रहे हैं। इस बंगले में सभी लग्जरी चीजें मौजूद है। इसमें खासतौर से स्विमिंग पूल, लग्जरी बाथरूम भी बना हुआ है, मतलब जलसा में हर तरह का जलवा है। नंबर सात, अमिताभ की कमाई। दोस्तों, हर कोई जानता है कि अमिताभ की कमाई कितनी है। दोस्तों, अमिताभ की इनकम लगभग 40 करोड़ डॉलर यानी कि 280 करोड़ रुपए सालाना से भी ज्यादा आंकी जाती है। इसके अलावा अमिताभ विज्ञापन और फिल्म के जरिए सालाना 50 करोड़ की कमाई कर लेते हैं। नंबर आठ, महंगी गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, बाबू मोशाय उर्फ बिग बी को महंगी गाड़ियां बड़ा पसंद है। अमिताभ के पास यूनिक गाड़ियों का संग्रह है। उनके पास मौजूद कारों में लाखों करोड़ों की रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, घोस्ट, मर्सिडीज बेंज एस क्लास और बेंटले कॉन्टेंस्टल जीटी आदि शानदार कारें हैं। वहीं अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अपनी कारों को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने देश की सबसे महंगी मल्टीपर्पज व्हीकल यानी एमपीवी खरीदी है। ये एमपीवी पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी इंटीरियर और शानदार फीचर्स के लिए फेमस है। आपको बता दें कि नई मर्सिडीज बेंज वी क्लास एमपीवी की कीमत 81.90 लाख रुपए है। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिसके पास सेडान और एसयूवी के बाद ये लग्जरी एमपीवी है। नंबर नौ, एग्रीकल्चरल लैंड। कुछ लोगों को जानकर हैरानी होगी कि लग्जरी चीजों का शौक रखने वाले अमिताभ बच्चन को खेती बाड़ी का भी शौक है। इनका लखनऊ में काफी बड़ा खेत है। इस खेत की कीमत 1.6 करोड़ आंकी गई है। अमिताभ अक्सर इस खेत में जाया करते हैं और ट्रैक्टर चलाने का आनंद लेते हैं। पिता की वजह से जमीन से जुड़े रहने का गुण इनमें अभी भी मौजूद है। नंबर 10, इन्वेस्टमेंट्स। शायद ये बात आपको भी पता होगी कि अमिताभ बच्चन की खुद की एक कंपनी है जिसका नाम ABCL है। अमिताभ के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब ये कंपनी बर्बाद हो गई थी। इस बर्बादी को अमिताभ ने एक सबक के तौर पर लिया। बाद में उन्होंने स्टम्पेड कैपिटल लिमिटेड कंपनी में 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दोस्तों, अगर आप अमिताभ बच्चन के जबरदस्त फैन है तो कमेंट कीजिए कि आपको उनकी वैभवता, ये लग्जरी चीजें, ये कैसी लगी।
आपकी नजर में अमिताभ की पर्सनैलिटी के क्या मायने हैं? साथ ही कमेंट्स में बताइए कि सुपरस्टार अमिताभ की कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हमें उम्मीद है कि अमिताभ के चाहने वाले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।